वेलकम टू LMP सेवाज एकेडमी। चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर एरिया का है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हीरोन्स फार्मूला, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टॉपिक है 9th क्लास का। इसमें हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंपलसरी इसका एक क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत मज़ा भी आता है इसको करने में। तो देखते हैं हीरोन फार्मूला क्या होता है। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई ये हीरोइन क्या होता है। नहीं, सिंपल फार्मूला लिखता तो मैं समझ में आता कि भाई कोई फार्मूला, लेकिन ये हीरोइन क्या। लेकिन मैथ्स हो चाहे साइंस हो, हम लोग जानते हैं कोई नाम आ गया तो उस साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट करने के लिए ये नाम यूज़ किया जाता है। तो उन जिन्होंने ये फार्मूला निकाला था, डिस्कवर किया था, उनका नाम था हीरोइन। जिनकी हिस्ट्री क्या जाने, मतलब अलेक्जेंड्रिया में जन्म हुआ था उनका, उन्होंने काफ़ी सारी अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बुक भी लिख रखी हैं। तो ये सारी बातें जिन्हें हमें जानकर कुछ नहीं होने वाला, हम लोग इनके बस डेरिवेशन को पढ़ते। जो इनका हीरोन फार्मूला था, सबसे फेमस जो हुआ था, इन्होंने निकाला था ट्रायंगल के एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इन्होंने ही हीरोन फार्मूला निकाला था, ड्राइव्ड किया था, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कि आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो पता चलना चाहिए। देखिए, हम लोग जनरली पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लासेस में एरिया ऑफ और ट्रायंगल क्या होता है, ज़रा सोचिए। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा, बच्चे को पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, मान लीजिए PQR, और इसमें मैं एक परपेंडिकुलर हाइट खींच देता हूँ, ये D मान के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है मेरा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बिल्कुल सही आपने सोचा होगा। हाँ बोलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबकी जवान में रखा रहता है बिल्कुल दही की तरीके, मतलब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबको पता रहता है। जिससे पूछ लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब बात आती है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को इस तरीके से पता है, चलिए पहले एक बार इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। हाफ इंटू बेस क्या, आपका बेस आपका पूरा होता है। इस ट्रायंगल का देखिए बेस क्या है, QR, नॉट DR, DR नहीं लेना, बेस क्या है पूरा, QR पे टिका हुआ। तो QR इंटू हाइट, हाइट आपकी क्या है, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, PD। तो PD, ये आप लोगों ने फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं आपसे एक कंडीशन लगाता हूँ कि मैं एक आपको ट्रायंगल दे रहा हूँ ABC, और मैंने इसकी परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी आपको, मैंने इसकी परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी, तो आप बताओ एरिया कैसे निकालोगे। तो बोलो भैया परपेंडिकुलर हाइट तो मुझे पता नहीं, तो फॉर्मूले में कैसे आएगा। तो वही चीज़ हीरोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोची कि अगर मेरे को परपेंडिकुलर हाइट वाला चीज़ ना दिया हो तो मैं कैसे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को निकाल सकता हूँ। तो मतलब उन्होंने एक सेकेंड मेथड को डिस्कवर करने की कोशिश की, और उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किए। किसको यूज़ किए, मतलब उसके साइड्स की यूज़ किए, साइड्स। अगर सारी साइड्स मुझे गिवन हो एक ट्रायंगल की तो मैं एरिया को डिफाइंड कर सकता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं हीरोन फार्मूला पे, यही ट्रायंगल हम लोग लेके समझते हैं। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, और मुझे इसकी साइड मुझे पता है। साइड देखिए, ए के अपोजिट वाला मैं ए मान लेता हूँ, जिससे आसानी रहेगी इंडिकेट करने में, और बी के अपोजिट वाले में बी लेंथ, और सी के अपोजिट वाली में सी लेंथ। दैट इज ए क्या है मेरा, लेंथ ऑफ BC, बी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ AC, एंड देन सी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ AB। तो ये चीज़ तो मैंने मान ली, दैट इज़ मुझे तीनों साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के पता हैं तो मैं हीरोन फार्मूला को एप्लीकेबल कर सकता हूँ। उसको ही देखते हैं कैसे लगाना है। अब मैंने साइड्स मान ली, तो आपको क्या है, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आपको पेरीमीटर पता है ट्रायंगल का, हाँ मैंने बताया कि पेरीमीटर कभी याद नहीं करते, जिस साइड से मिलके फिगर बना वो सारी साइड्स आप ऐड कर दीजिए। तो मैं कहूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे आप, ए साइड प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन जो आपका हीरोन फार्मूला में यूज़ होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसका आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस आपको रिज़ल्ट ही याद रखना है, और उस रिज़ल्ट से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बड़े आसानी से।
तो इसका अगर मैं सेमी पेरीमीटर का बात करूं तो क्या होगा, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, दैट इज़ पेरीमीटर को हाफ करना, दैट इज़ पेरीमीटर को दो से डिवाइड करना है। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये क्या आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर, जिसको मैं सिंपली इंडिकेट कर देता हूँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहाँ पर एस क्या है मेरा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अब हीरोइन जो फॉर्मूला आया ये बहुत ही आसान है। ये डेल्टा से शो कर देते हैं, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया है, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उन्होंने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला दिया कि आप अंडर रूट लगाइए सबसे पहले, उसके बाद जो आपका सेमी पेरीमीटर है वो रखिए, फिर मल्टीप्लाई में ही सब रखना है, मल्टी ब्रैकेट लगाइए मतलब मल्टीप्लाई, फिर एस में से सेमी पेरीमीटर में से एक साइड घटा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई एस में से एक और साइड घटा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई एस में से आपकी जो लास्ट बची हुई साइड है वो भी घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और एरिया है तो यूनिट क्या आएगी आपकी, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था मेरा हीरोइन फॉर्मूला, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। मतलब अगर मुझे कभी भी एक ट्रायंगल की तीनों साइड भी दे दी जाएंगी तो मैं उसको इसकी मदद से लिख सकता हूँ। और आपको पता है हीरोइन फार्मूला आता कहाँ से है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए ये ट्राइंगल है, इसको बाइसेक मैं करवा देता हूँ, एक बार बाइसेक्ट करवा देता हूँ, तो यहाँ सेमी पेरीमीटर जोड़ के पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही हीरोइन फार्मूला आता है, जिसको आपको देखना नहीं है, बस एक हिंट है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही आता है। उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो आने वाला भी नहीं है और ऐसा सच हमें ध्यान भी नहीं होना चाहिए। बस हमें क्या फार्मूला याद होना चाहिए हीरोइन फार्मूला का, कि वो होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, वेयर एस क्या है मेरा, एस मेरा सेमी पेरीमीटर है, एस क्या है मेरा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ए बी सी क्या है मेरे, ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तीन साइड्स होते हैं, इसलिए एक बार माइनस किया, दूसरी बार माइनस किया, तीसरी बार, सबको अलग अलग माइनस कर दिया। तो ये था मेरा हीरोइन फार्मूला जो आपको ध्यान रखना है और बहुत ही आसान है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एलएमपी सेवाज अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से सभी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।